हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप लोग देख रहे हैं मैड ब्लॉगर्स रायपुर। तो आज का वीडियो ना कि ब्लॉगिंग के ऊपर होगा, ये होगा एक ट्यूटोरियल वीडियो कि आप लाइव वॉलपेपर कैसे रख सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप पर। बहुत सारे गेमर्स हैं जिनको वैलोरेंट आज के डेट में बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैं ये लाइव वॉलपेपर्स लेके आया हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक वॉलपेपर अपलोड किया हुआ है, एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग जाइए और उस वीडियो को चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो सबसे पहले तो अपना गूगल खोलिए, देन हमारे चैनल को सर्च कीजिए मैड ब्लॉगर्स रायपुर। मेरे तो इसमें सामने ही है तो मैं उस पर ही क्लिक कर लेता हूँ। आप लोग ने सर्च करना है मैड ब्लॉगर्स रायपुर तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा मेरा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग इस वीडियो में जाके, आपने गूगल ड्राइव का ऑप्शन दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपली तो ये खुल जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को। तो जैसे ही आप ये, सबसे पहले तो आपको ये वीडियो डाउनलोड करना है। अगर आपने वहाँ से नहीं हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, y2make.com खोलना है और ऊपर वीडियो का लिंक है उसको कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है y2make.com पे और स्टार्ट कर देना है। और इसको 1080p में ही डाउनलोड कीजिएगा गाइस, 1080p में ही आपने डाउनलोड करना है। 1080p में डाउनलोड करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली पूरा क्रोम क्लोज कर देने का है। क्रोम क्लोज करने के बाद अब हमको जाना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे। जिनके पास स्टोर नहीं है वो लोग गूगल क्रोम से भी जाके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खोल सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हमने लिखना है लाइव वॉलपेपर बाय गिनटैब। ओके, तो आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद, मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैंने, मैं लॉन्च का ऑप्शन आ रहा है, घबराने वाली बात नहीं है कुछ भी। आपने लॉन्च करना है इंस्टॉल होने के बाद इसको, और ये लॉन्च मेरे में नहीं हो रहा था तो मैंने नीचे से किया है ओपन, क्योंकि मैं पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ। तो आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन जहाँ भी आपका फाइल डाउनलोड हुआ होगा वहाँ पे सेलेक्ट फाइल में जाके सेलेक्ट करना है फाइल को, देन आपने ओपन करना है फाइल को और ये चालू हो जाएगा ऐसा। आपने यहाँ पे पिक्चर वाली जो आइकन बनी है इस पर क्लिक करना है ताकि वो सामने लग जाए, आपको पता चल जाए कि कौन सा फाइल था। तो देन आपने फिर ऐसा विंडो खुल जाएगा, आ जाएगा सामने, देन आपने कुछ नहीं करना, उस पर क्लिक कर देना है, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है तो आपका वॉल लग जाएगा सामने। ये देखिए, ये मेरा किल जॉय वाला लग गया है वॉल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को थोड़ा सा प्यार दिखाइए गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा छोटा सा चैनल। और मैं इसी तरीके के और भी वीडियोस अब लाते रहूंगा इस चैनल पे। जितने भी वेलोरेंट फैंस हैं, आपके दोस्त होंगे, उनको ये वीडियो शेयर की करते जाइएगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने एक चीज देखा है कि पीछे अगर मैंने वो चेंजिंग वाला वॉल लगा रखा होगा तो इसमें अचानक से लूप खत्म होने के बाद वो वापस से शो होता है। तो आप लोग सिंपली सिंगल वाला वॉल लगाइए, उसके बाद ये वाला वॉलपेपर लगाइएगा तो वो डिस्टरबेंस नहीं आएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।